विनोद बाबू रांची दिखे जाना है ना, ऐसा तो नहीं ना कि विनोद बाबू धनबाद बोकारो में रह गए, गोटे झारखंड जाना है। तो विनोद बाबू एगो लाइन कहा लल पढ़ो और लड़ो, सुना लबा पढ़ो और लड़ो कहा लल गिधर पढ़े खूब पढ़ला बेटा छुआ भी पढ़ला और बेटी छुआ भी, लेकिन जखन लड़क बाड़ी अल मुर्गा लड़ल थोन। सच्चाई लगा है बहुत नुकसान भला अगला में आज बहुत नुकसान हमने भला है, कारण हटे कि हमने कभी पढ़े में ध्यान नहीं दिली, हमने लड़ले तो गलत जगह में लड़ले, भाई भाई में एक बिट्टा जमीन खातिर लड़ गए, गोतनी गोतनी गहना खातिर लड़ गए। तो विनोद बाबू ही लड़ाई की नहीं कह लल, विनोद बाबू ही कह लल जखन माटी रोटी बेटी जखन भाषा संस्कृति जखन अस्मिता पे संकट है तो तखन लड़ना है। आज खातिर कह लल विनोद बाबू कि तोरा आज लड़ना है। हमने देश के एक बहुत बड़ा महान विभूति जयपाल सिंह मुंडा में एक लाइन कहा लल, जयपाल सिंह मुंडा के जाना है ना, एकमात्र ऐसे तो बहुत सारा हलते हैं आदिवासी संसद में, लेकिन एकमात्र आवाज हल जो पूरा संसद के हिलाई कर रखा लल, एक लाइन कहा लल, अध्यक्ष महोदय आप जिसे विकास कहते हैं वो आदिवासियों के लिए कब्र साबित होगा। आज भी कब्र साबित हुआ, कैसे? आपने विकास कहा डैम को, आपने विकास कहा कोलियरी को, लेकिन विस्थापन कौन हुआ? आदिवासी मूलवासी। आपने क्या कहा कि चांडिल डैम बना दिया विकास हुआ, लेकिन मेरा हजारों घर बेघर हुआ वो मेरे लिए कब्र साबित हुआ। 70 साल पहले जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आप जिसे विकास कहते हैं वो हमारे लिए कब्रगाह साबित होगा। आज वही दर्द औटे दर्द लगो। और एक बात, हम हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि हमको किसी व्यक्ति से भेद नहीं है, वो बिहार का रहे चाहे यूपी का रहे चाहे बंगाल का, हम अपने राज्य में आपकी भाषाओं को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि राज्य मेरे लिए बना है। हमारे भी 12 लाख लोग कोरोना काल में 12 लाख लोग कोई तमिलनाडु से कोई महाराष्ट्र से वापस आया, क्या हमार भाषा हुआ है? जब नहीं तो झारखंड चारागाह का है, झारखंड चारागाह का है, यह सरकार को बताना होगा। आज तमाम विधायकों से इस सत्र में केवल यही बात करनी होगी कि झारखंडी कौन है पहचान कीजिए। फोकट में नहीं मिला है झारखंड, 88,000 लाखों शहादत के बाद झारखंड मिला है। लोग कहते हैं ना भाई भाई, अरे भाई 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 का मतलब है पंजाब और हरियाणा का बंटवारा, हरियाणा ने अलग राज्य मांगा पंजाब ने दे दिया। भाई भाई का मतलब होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा, छत्तीसगढ़ ने अलग राज्य मांगा मध्य प्रदेश ने दे दिया। झारखंड और बिहार भाई भाई अगर कहते हैं तो आप लोग मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं, क्योंकि हमने 88 साल लड़ा है। भाई भाई की बात नहीं कीजिएगा। एक गुलाम और मालिक की बात कीजिए। हमने 88 साल लड़ा है। भाई भाई वो नहीं होता है, एक भाई अधिकार मांगे दूसरा दे दे उसे भाई भाई कहते हैं। यहाँ भाई भाई जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी हम सबका सम्मान करते हैं, हमने सबका सम्मान किया है। कैसे से कह देगो एगो भीख मांगे वाला के कहिया तुम भीख मांगे तो दुकान से जो कोई व्यापारी यहाँ वो डूबी देते कथी देता है डूबी बुझाए ना कटोरी हाँ डूबी भीख देता है सेहो गार देके गार देके भीख देता है। अगर कहिए कि झारखंड में कोई गांव जो चाहे आदिवासी कुर्मी कोकरो गांव जो वो सुपिया देता है वो भोज का सुपिया देता है। और सोप माने की कि अरे भीख मांगे वाला तोहू भरल रही है तोरो कुछ ना घटते हमरो कुछ ना घटते सैटा लगे सूप के माने तो हमें तो सब क्या लेके चल लिए अब एक माने की हमार घर से हम तो भगेबे माने झारखंड सब के महाराष्ट्र लगे मराठी खातिर गुजरात लगे गुजराती खातिर बंगाल लगे बंगाली खातिर बिहार लगे बिहारी खातिर और झारखंड सब के की नहीं ना। एक गांव में कहावत चला है बुझवा खासकर माहे काकी जेठी गिला कि लेलवाग बहु सबके भोजी सुनल है कि लेलवाग बहु भैंसुरोग भोजी ससुरोग भोजी तब नहीं वो लेला लगे चाहे सियान लगे वो जकर भोजी तकरे भोजी सैन्य झारखंड जकर लगे ओकरे झारखंड सबके ठिकाना ले लाइए।
लोग बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग संविधान की बात करते हैं, अनुच्छेद 19(6) का हवाला देते हैं कि अनुच्छेद 19(6) में लिखा है कोई कहीं भी जाके रह सकता है, व्यापार कर सकता है, कमा सकता है, खा सकता है। लोग कहते हैं, थोड़ा दो चार को पढ़ा लिखा लोग बोलता है कि तुम लोग झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल में कहे भेद कर रहा है, कोई कहीं भी रह सकता है। तो उन लोगों को सीधा संदेश देंगे, आप थोड़ा सा पढ़ना संविधान का और पलटिए, 19 में कहे अटके हैं, उसमें 395 तक है, तो आप 371 में जाइए, आप संविधान का अनुच्छेद 371A में जाइए, वहां स्पष्ट लिखा है नागालैंड नागाओं का होगा, किसी के बाप का नहीं होगा। 371A में स्पष्ट है कि नागालैंड में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। 371B असम के लिए, ऐसे करते करते तोड़ जाए के 10 गो आर्टिकल है जकर में ऊ राज्य में कि जमीन तक ठीक से नहीं ले सकल है। यहां तक कानून है कि अगर विधानसभा से पूछ के ओकरा कानून बनवे बेटे। यही नहीं, भारत एक संवैधानिक देश लगे, जे संविधान के उल्लंघन करते वो की कह लेते, देशद्रोही, गद्दार कह लेते ना। तो अब तो हम लोग CNT का बात करेंगे कि CNT का जिसने भी उल्लंघन किया है वो IAS रहे, IPS रहे, चाहे मिनिस्टर रहे, चाहे जज रहे, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, क्योंकि संविधान अनुसूची 9-12 अनुसूची है, अनुसूची में परिवर्तन करने का साहस सब में नहीं है, उसके लिए बहुत बड़का प्रक्रिया है। 12 अनुसूची में एक अनुसूची है 9 जिसमें भूमि का कानून है, कानून 284 है, कानून 284 है, जगह में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना, जितना राज्य, जितना केंद्र शासित राज्य है सब के जिक्र है, जकर में कानून नंबर 209 है, अकर में कानून नंबर 209 है। और 209 कानून की गए पता हो, 46, 47, 48, 49 CNT कानून लगे, 71 ABC, 240, 41, 42 इला CNT कानून अनुसूची 9 में है, जकर में 46 कह रहा है कि एक आदिवासी ST SC OBC का जमीन उसी का कौम का आदमी खरीद सकता है। तो आप बताइए रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा, आप बताइए। संविधान की बात करने वाले न्यायपालिका में बैठे लोग बताइए, IAS IPS देश को चलाने वाले आप बताइए, रांची में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा, जबकि वो कानून संविधान अनुसूची 9 में शामिल है। आप गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं, जो हमारे हक, हमारे अधिकार को लगातार छीनने का, लूटने का काम कर रहे हैं। हम भी मनुष्यता नहीं फैला रहा लियो, गद्दारी तोहनी कर रहा है, संविधान के छेड़छाड़ तोहनी कर रहा है। तो आज लड़े भे तो ये लड़ाई आम व्यक्ति के लगो, ये लड़ाई आम व्यक्ति के लगो, कोई मसीहा वाला ना हो, कोई मसीह आने वाला ना हो, ये लड़ाई तो होनी के लड़े तो, नहीं तो आने वाला पीढ़ी गुलाम रहे तो, आने वाला पीढ़ी तो से सवाल कर तो कि तो बिरसा मुंडा सहित निर्मल के माटी अते हथियार डाल दे, लड़ाई तो होनी के लड़े तो, हमनी के लड़े तो, मिल के लड़े तो, क्योंकि आज नहीं लड़ ले तो लड़े के चांस नहीं रहते, कोई नहीं लड़ते। 2-4 MLA MP हतो जो ईमानदार हतो, 2-4 हतो हमू जाना है, हालांकि मंच में नाम क्या कहे भाई कहो तो अगर तरफदारी करे, 2-4 बातों, लेकिन बाकी की कहानी हो, अखनी इतना टका कमाई ले हो, इतना टका कमाई ले हो कि 100 साल अखनी बैसी के खातो, उतर खातिर लड़तो की हिया हमने सभी के BA कर ले, क्यों MA कर ले, कर ले ना, हमें खुद PhD कर रहा है, हमारा काल के फ्यूचर नहीं मालूम है कि हमारे साथ की बेहतर, हमारा अपन काल के फ्यूचर में मालूम है कि हमारे साथ की रहते, इतना पढ़ लिए और ओखनी जो है ना मंत्री, विधायक, नेता, सांसद, अगर गिधर जन्मल ना हो और तय भय गया हो, बेटा भले चिन्मया में, बेटी भले डिनोबली में, वो तो लड़ा की लड़ देतो की लड़तो की नहीं ना। अब पता नहीं तो रांची की गिला कैसा ना पता ना है, हमार विशेषकर 2-4 कोयलांचल में हथिन 2-4 तो खाली इतने कहे ना कि और मांझी में 100 नहीं 1000 एकड़ जमीन गांव वाला एक बेचे तैयार हो, कह दी अलाउंस खाली कर दी हमने उधार किया गिला के कि 1000 एकड़ जमीन गांव वाला बेच दो, और रातों रात अटैची ले गई तो वो बेमान इतना तक ना सोच तो कि भाई
भाई गांव वाला कहां चल जीते, एक साथ जमीन बेच रहा अपने जीते तो जीते कहां। तो एक मिनट में सोचते हर तरह टैची लेके जमीन की ना जीतू तो है गिला खातिर की एखने के दिया खातिर झारखंड बना लो लेकी नहीं ना भाई तो लड़े तो केजीएफ फिल्म देखा ला केजीएफ फिल्म में मैन गुंडा हले गरुड़ा हले ना और गरुड़ा के सोना के कारोबार हले गरुड़ा जो हले अगर सोना के कारोबार हले और एखने क्यों पता हो कोयला के बालू के लकड़ी के पत्थर के पहाड़ के कारोबार हो थोड़ा सा फर्क है। तो हमने जब काल्पनिक फिल्म देखा होने से राग लागो हो कि गरुड़ा खत्म होना चाहिए बड़ा काल्पनिक लागे से हमने के राग लागो हो कि गरुड़ा खत्म होना चाहिए तो रियल लाइफ के गरुड़ा भी खत्म होना चाहिए ना। तो जिंदा सरकार तैयार है और मारे से की डरना यार मारे से की डरना कि सूरज की रखा नहीं 6 लाख ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर हमने दिमाग में आटतो ना कि 6 लाख ट्रिलियन कते में सॉरी 6 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर इतना जीरो है कि दिमाग में नहीं आटतो इस सूरज के एक दिन मर जीते जबकि अगर आयु कते भैगल अभी शायद 57 अरब साल ना 56-57 अरब साल अगर आयु भैगल से एक दिन ही मर जीते सूरज की जकर क्षेत्रफल है 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर ये धरती जकर में डाल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर ये धरती मरते ये हिमालय के पहाड़ जकर क्षेत्रफल है 5,95,000 वर्ग किलोमीटर वो हिमालय के पहाड़ मरते ये चांद जरा तीन देखे पावे हैं 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर वो एक दिन मरते ये प्रशांत महासागर जो सबसे ज्यादा समुद्र है सबसे ज्यादा पानी है 1,165 मिलियन वर्ग किलोमीटर और पानी सुखाया जीते तो हमें अर्थ है क्या लगे क्या लगे हैं डर डरना ये सूरज चांद धरती मिटेगी फिर हम और आप क्या हैं हम भी मिटेंगे एक दिन लेकिन हाँ जब तक रहेंगे अधिकार के साथ रहेंगे अपनी माटी अपनी भाषा संस्कृति के साथ रहेंगे क्योंकि किसी के बगैर नहीं दिया है मेरे पुरखों ने कारहा करके मेहनत से पसीना से जगा के रखा ऐसे नहीं मिला है झारखंड लड़ने के बाद कटने के बाद मिटने के बाद ये झारखंड मिला है और ऐसे दे दे बिल्कुल भी नहीं आज लड़ाई को लड़नी होगी। और एक बात घरे कौन गिदते रागो मुंह फुलाए कौन गिदते जकरा खाए लेने दिया अटे ना जकरा खाए ले दबागो तो चुपचाप सूत जीतो तो सैनिक क्रांति खाली पेट किया जाता है। ये लोग जो आज बैठे हैं ये खाली पेट यानी इनका हक अधिकार छीना गया है और यही लोग क्रांति लेके आएंगे। अब बहुत सारा ध्यान कहा तो कि भाई 2000 से पहले तो झारखंड कहां हलो घूमे या फिरवे खाते थे कि हमने हर तरह से मजबूत रहना हो हर सवाल के उत्तर होना चाहे और बिल्कुल होना चाहे और हम यह खातिर अपन हर बात रखते रहे ताकि घोर घोर हमारा तो चाची से रांची आने की जरूरत ना पड़ते इस भीड़ में से हमारे दू को बनाए के जीवो इतना हम प्रयास करते रहे। लोग कहते रहो ना कि भाई 2000 से पहले झारखंड कहां हलो एक बात बताओ सभी जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी करे हैं एक क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द का जिक्र सबसे पहले कब हुआ है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में 13वीं सदी मैंने 1200 से लेकर 1300 के बीच तक 13वीं सदी कहा जाए यानी आज से 700 साल पहले झारखंड का जिक्र हुआ है। आप झारखंड की बात करते हैं अरे 2000 में झारखंड कानूनी रूप से बना है संवैधानिक रूप से बना है भावना में झारखंड सदियों से है वही नहीं कहले हमने शेरे सिवा के देहांत बना जाना है ना शेरे सिवा 1980 में वो झारखंड कॉलेज बनवा लल 1980 झारखंड के दाता पता ना है तो शेरे सिवा में जो डुमरी में कॉलेज बनवा लाए और नाम झारखंड कॉलेज है तो इगला बुझे है तो अब इस सरकार के थोड़ा सा शेरे सिवा की बात बोले तो देख तनी कतना कतना मने इस सरकार ककर खातिर काम करो ये सोच पहला बात हमें मौत के नाम पे कोई राजनीति नहीं करबो लेकिन तर्क के बात करबो कुछ महीना पहले आरे वो कोई मंत्री लगले पूर्व मंत्री मंत्री ये लगले पूर्व मंत्री अलग विधायक अलग वर्तमान में वो बेचारा मर जाए पहले तो ओकरा हमू संवेदना प्रकट करे श्रद्धांजलि कराए हेमंत साहब अपन दल बल के साथ ओकरा श्रद्धांजलि दिया गेलो जबकि वो बिहार के लगे बिहार मूल के लगले वो यहाँ भले विधायक मंत्री बनल लेकिन वो लगल परदेसिया से हेमंत बाबू ओकरा श्रद्धांजलि दिलिए पूरा परिवार से आई गेलो और शेर सिवा
जकर योगदान हल गुरु जी के साथी हल दम नहीं भले आवे के कल दम नहीं भले आवे के तो की संदेश हो बताओ ना सीधा संदेश हो झारखंडी के देखे नहीं पा रही हो लेकिन कहो ना कि हम तो माटी जल जमीन जंगल के सरकार लगी हो कहो ना कि हमनी लोग तो माटी से जुड़ा हो कहो ना देख पहला बात हो ना हमनी भावनाओं के लोग लगे भावना में बह जाए क्यों कहलो और मान ले लो नहीं आज से कुछ साल पहले हल देवानंद काला कपड़ा पहन के जीत लो बेटी छुआ सब झांप दे के मर जीत लो भावना अरे भाई लॉजिक नाम के चीजें ना हो तो सही हमने भावना में बह जाए तो कह दिलो माटी के तो मान ले अगर माटी के लगे तो पूछी ना 70 लाख लगा लो बैट बॉल किने में जो क्रिकेट के मैच खेल रहे 70 लाख रुपया खर्चा किया था आदरणीय सरकार ने सिर्फ एक दिन का मजा लेने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए अबरी मंत्री सबके गाड़ी दे लो फॉर्चूनर मंत्री सबके फॉर्चूनर दे लो 50 लाख के आ तो जल जमीन जंगल के लगियो अब घर रखनी पड़े तो 6-6 करोड़ में तो हम कह भाई और मांझिक लोग जितना गारो का मंत्री हो ज्यादा ना हो एकने कहीं हमने चंदा देके तो हमने घर बनाए देवो 67 करोड़ टका बर्बाद ना करा आज जखन हिया के युवा सड़क में आंदोलन कर रहा है वो बेरोजगारी के दंश झेल रहा है ओकरा ठीक से मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है ओकरा रोजगार नहीं मिल रहा है और एकने 50 लाख के गाड़ी मिल रहा है इटा तो समझे भाई तो अब और एक बात कि हमनी के भाषा संस्कृति चाहे कोनो भाषा रहो संथाली के रहो मुंडारी के रहो कुड़ूक रहो हौ रहो कुड़माली रहो हमनी के भाषा संस्कृति बहुत मिठास है हमें थोड़ा सा 2-4 गो जो अपन भाषा जाना है उठा के थोड़ा बात करो कि कतरा मिठास हमनी की भाषा है घड़ा तो नहीं बुझे घड़ा घड़ा मने को जो बर्तन रहे बुझा तो नहीं घड़ा हिंदी में घड़ा इंग्लिश में पोट कहा जाए POT पोट अगर बड़ो भेते तो कहते बिग पोट और छोटो भले स्मॉल पोट लेकिन हमनी की भाषाएं उधार कर ले तो हनी के है कि नहीं हमनी की भाषा देख कितना मिठास विवरण है अगर इतना छोटा रहता तो कहते चुकरी इतना बड़ा भले चुका एक तनी बड़ा भले घैला अकोर से बड़ा भले हाड़ी अकोर से बड़ा भले हाड़ा कितना सुंदर बखान हमनी की भाषा है और हमनी छोड़े लगला हमनी अपन कल्चर छोड़े लगला सही लगे ना नहीं लगे अब तनी होटल में खाना तो सभी खाए लगा की कहते रहे चावल दीजिए और कुछ नहीं पका दीजिए गरम दीजिए कच्चा दीजिए चावल दीजिए इंग्लिश में जाना है कहते राइस दे है ना राइस हिंदी वाला के लिए चावल और हमनी की भाषा है पहले चार जखन अधन दबा तखन एक बार अधन ओकर बाद भात और जूठा वाला संखड़ी कतना खूबसूरत कतना मिठास हमनी की भाषा में है ना है अब थोड़ा सा हार जोतक था क्या हमने हार जोतवा लगा अंग्रेजी वाला के लिए कहते प्लॉगिंग PLOUGHING और कुछ नहीं वो कहते हिंदी वाला के लिए कहते हल जोता जा रहा है हल जोत रहे हैं इतने कहते हैं और हमने की कहा भाई नाय रे नाय फारनी सवारनी जाबड़ तबे का दो तो नहीं कहा अगला ना नहीं हमने उधर धनबाद बोकार है अगले कहा फारनी एक बार संवारनी एक बार जाबड़ एक बार तबे लास्ट एक का दो इतना खूबसूरत है इतना मिठास इतना खूबसूरत हमने एक भाषा और हमने छोड़ लगलो बाप के बाप कहे में तकलीफ और परदेसिया के काका कह रहा इगला बदले है तो इस सिस्टम के लिए बदले है तो नहीं तो बहुत नुकसान में तो और एक बात हमने पढ़ा लिखा MA BA ग्रेजुएट कर ला और बाद हमने लोके गिला के फॉलो कर रहा ला जबकि हमने जो पुरखा हल हमने जो पूर्वज हल ओखनी ऐसा ऐसा बात कहा है ना वो सीधे विज्ञान की चुनौती दे है एगो कहावत कहो बुझे प्रयास करिया एगो कहावत है आमे बांध तेतरी टान सुनला हाँ कि नहीं आमे बांध तेतरी टान इटा तोहने कहा ला तोहने कहा ला परमाए परमायक माए पता नहीं क्या कहा ले लेकिन कतना सही कहा ले सेटा बुझा आमे बान माने की बान माने पानी आमे बान माने की जन मच्छर आम बेसी धरतो पानी बेसी गिरतो
जन बच्चर तेतर यानी इमली धरतो पानी टान मने कम गिरतो। पढ़ल लिखल अपनी नाय हलाय से कतना सुंदर व्याख्यान करल है, सीधे विज्ञान के चुनौती दे रहा है। और हमनी पढ़लो लिखलो बाद अनपढ़ वाला काम कर रहा है ना। तो आज लड़ाई केवल अब हक अधिकार नहीं लगाए, लड़ाई हम बार बार कहते रहिए, नव निर्माण झारखंड, झारखंड के नया निर्माण करना है, ओकर में हर चीज है। तो नया निर्माण करना हमनी के सभी के जिम्मा रहलो, ईटा तो हमनी के तय करे है, तो नया झारखंड बनवे है, तो नहीं तो बहुत नुकसान है, तो आने वाला दिन इटा के तैयार रहे। तो अमेरिका में अब्राहम लिंकन से पहले नाइग्रो हले, नाम सुना ना नाइग्रो, नाइग्रो एगो गुलाम प्रजाति लगल, नाइग्रो की लगल गुलाम लगल। अखनी अगर कोई पति पत्नी भी एक साथ जा हले ना, तो दियो के गर्दन में एक एगो सिक्कल लागल रहा है, कभी फोटो निकाल के गूगल में देखिया। नाइग्रो जो गुलाम प्रथा लगल, पूरा परिवार अगर खेते काम करे जा हले ना, तो एक एगो सिक्कल ककरो गर्दन में, ककरो कमर में, ककरो टैंग में रहा है। सही हाल झारखंड के, तो अगर ना लड़ल तो आने वाला दिन झारखंड के भी यह हाल में, तो क्या झारखंड है कहा, तो है कहां से बताओ ना, कई वो आईएस आईपीएस तो रहो आहो, कई वो हाईकोर्ट में जज हो तो रहो ना हो। आज जो कह रहा ना कि 1932 का खतियान हाईकोर्ट रिजेक्ट करती है, असंवैधानिक है, एक बात बताओ, जन दिन तोर लोग को हवा चल जितो ना, चाहते संवैधानिक हो जितो। अब कहबे कैसे, एगो उदाहरण दे लो, जलीकट्टू के नाम के सुनल है, जलीकट्टू, जलीकट्टू में माने एगो परंपरा है, बैल के गोरु बुझा ना, गोरु बैल बरद, बैल बरद लड़वे के एगो परंपरा है जल्लीकट्टू में। तो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है, आदेश जारी करता है कि असंवैधानिक है, इसको रद्द किया जाए, इस कार्यक्रम को बंद किया जाए। इतना विरोध भले तमिलनाडु में, इतना विरोध भले तमिलनाडु में कि सुप्रीम कोर्ट के झुके बोले, तो हाईकोर्ट के बात करे हैं। आप झारखंडी को भाई कानून नहीं सिखाइए, हम लोग भी अब कानून सीखने लगे हैं, और यही इनके पेट में दर्द होने लगा है, यही इनके पेट में दर्द होने लगा है कि झारखंडी बॉन्ड में, जंगल में, पर्वत में रहने वाला लोग कानून सीखने लगा है। आप हमें गणतंत्र ना सिखाएं। जयपाल सिंह मुंडा ने स्पष्ट कहा था, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, आई फील प्राउड टू बी कॉल्ड ए रस्टिक, यू कांट टीच द लेसन ऑफ डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल्स, यू हैव टू लर्न द लेसन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम देम, बिकॉज दे आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पर्सन इन द वर्ल्ड। आप आदिवासियों को, जंगलियों को गणतंत्र ना सिखाएं, ये दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र मानने वाले लोग हैं, आप इनको गणतंत्र सिखा रहे हैं। अरे भाई हमने व्यवस्था मालूम है ना, गांव पंचायत हमने किने रहवाल है, एकनी से व्यास निर्णय रहवाल है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ लिए, एगो जो केस है ना, 207 साल भाई अंग्रेज के काल से अभी तक फैसला ना लेना, यदि सब केस जितना पेंडिंग केस है उगला अगर खोल के अखनी जजमेंट करते है, तो लगभग 200-250 साल लगते। अरे एक अच्छा तो हम नहीं खेल कि एगो पंचायत परगना बैठा है और फैसला करके निकल जा। ककरो जानकारी हो, आज कोल्हान जल रहा है, आपने सुना है कि कोल्हान में आज आग लगा है, कोल्हान के लोग अलग देश मांग रहे हैं। किसी ने सोचा कि भाई कोल्हान एक शांत लोग, आदिवासी प्रवृत्ति के लोग, जंगल खेतों में खटने वाले लोग आज अशांत हल्ला क्यों करने लगे, क्या कारण है कि आज कोल्हान के लोग हथियार लेकर, तीर धनुष लेकर सड़क पे आ गए। कारण यही है, कोल्हान में मुंडा मान की व्यवस्था थी, मुंडा मान की व्यवस्था आपके सिलेबस में होगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा, यानी वो ग्राम की व्यवस्था थी, अपने लोगों के बीच का कानून था। आज बाहरी राज्य के लोग लगातार अतिक्रमण किए, अतिक्रमण करने के कारण उनकी व्यवस्था भी चौपट, उनका कानून भी चौपट होने लगा है, उनका जमीन माटी भी छीनने लगा है। तो कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, वही सिचुएशन कोल्हान में है। यदि छोटा नागपुर में भी ये फैसला नहीं लिया गया, अगर झारखंड में नीति नहीं बनाई गई, तो हो सके एक दिन छोटा नागपुर भी अलग कंट्री मांग दे। क्यों नहीं मांगेगा भाई, कहे नहीं मांगेगा, थोड़ा सा न्याय संगत बात कीजिए ना। और जब वो नया देश मांगेगा,
तो छोटा नागपुर है वो शर्त रखेगा कि सुनिए बाहर के राज्य के लोग किसी को भगा नहीं रहे, वो तो देश था इसीलिए एक राज्य में वहां भी रहते थे यहां भी रहते, अब छोटा नागपुर अलग कंट्री बन गया है, अब आप तय कीजिए यहां रहेंगे कि वहां रहेंगे। दो देश में नहीं रह सकते हैं, दो राज्य में रह सकते हैं, तो मजबूरी में वो जरूर एक दिन अलग देश मांगेगा। यदि आज बाहरी अतिक्रमण को ना रोका गया तो एक दिन सिचुएशन ऐसा आएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला वे अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि विकसित राज्यों का अतिक्रमण रोकने के लिए, विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए संसद को चाहिए अनुच्छेद 16(3) का उपयोग करते हुए, विधानसभा को चाहिए अनुच्छेद 309 का उपयोग करते हुए अपने राज्य के लोगों के लिए नियोजन में विशेष अधिकार दिया जाए। यही नहीं, अनुसूची 7 जिसमें केंद्र सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची है, राज्य सूची कानून संख्या 41 वहां भी इसी बात का जिक्र है कि यदि भूमिपुत्र नियोजन में पिछड़ रहा है तो उसे बराबरी में लाने के लिए उसे सुनिश्चित किया जाए। संविधान के एक एक पन्ने चीख चीख कर हमारे इस कानून को, हमारी इस मांग को जायज ठहरा रहे हैं, एक एक मांग को जायज ठहरा रहे हैं, हर दस्तावेज मेरे मांग को जायज ठहरा रहे हैं। और एक बात कि बाहरी भीतरी हम लोग नहीं करते हैं, कि बाहरी भीतरी हम लोग नहीं करते हैं, बाहरी लोग बाहरी भीतरी का काम करता है। आप जाइए विनोद बाबू शिबू सोरेन एक रह के इतिहास को पढ़िए, हमने तो शोषित लोगों को जोड़ने का काम किया था, बाहरी भीतरी तो आप करते हैं जब झारखंडी हक मांगता है, हमने कब बाहरी भीतरी का काम किया है? हम लोग कभी बाहरी भीतरी नहीं करते हैं, बाहरी भीतरी बाहरी लोग करते हैं। और एक बात, राज क्यों बनता है? राज इसीलिए नया राज बनता है कि वहां रहने वाले कुछ लोग पिछड़ रहे हैं मुख्य धारा से, उन्हें रास्ते में लाने के लिए नया राज्य बनता है। और इस लड़ाई में पेट में दर्द किन्हें पता है? बाहरियों को दर्द किन्हें नहीं है, गलत बात है, बाहरी को दर्द नहीं है। हमको हाईकोर्ट से जज का फोन आया है, बिहार हाईकोर्ट के, बोलता है आपकी लड़ाई जायज है क्योंकि बिहार में 1000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जब वहां विक्रमशिला और नालंदा था झारखंड के लोग जंगल में रहते थे, अब बताइए वहां की भाषा और यहाँ की भाषा, वहां के लोग यहाँ के लोग मुकाबला करेंगे? नहीं ना करेंगे। किसान आंदोलन के एक जाट नेता का फोन आता है, वो भी बोलता है कि तुम्हारा उदाहरण हमको बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा इंडिया यदि एक होता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, और यदि पुलिस का वैकेंसी निकलता तो किसका होता? पंजाबी लोग का। उससे हट्टा कट्टा है हम लोग क्या? पंजाबी से हट्टा कट्टा हम लोग हैं क्या? तो सारा वैकेंसी किसका? पंजाबी का। क्या सही होता? नहीं होता। अगर हो भी जाता तो पंजाबी आदमी बंगाल में आके नियम कानून देखभाल विधि व्यवस्था संभाल पाता? पंजाबी लोग में बंगाली लोग की बुझाई पारता लय ना पारता लय। तो इसीलिए राज्य बने हैं कि वहां के जो लोग हैं उनका विकास किया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोजपुरी बोली जाती है, अरे भाई जहां बोली जाती है वहां तो मान्यता दीजिए ना, और वास्तव में ये बोली है, भाषा तो है ही नहीं, तो पहले बोली को भाषा बनाइए और मान्यता वहां दीजिए, फिर यहां सोचेंगे। और नहीं सोचेंगे, कहे सोचेंगे, कहले सोचेंगे, सबका अपना अपना जगह है। भाषा का बहुत बड़ा इतिहास है। आज लोग कहते हैं ना कि हिंदी यानी हिंदुस्तान, लोग कहते हैं ना, गलत बात है, जानकारी गलत है, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, हिंदी केवल उत्तर भारत की भाषा है, दक्षिण भारत में हिंदी को मान्यता नहीं है। 2 या 3 दिन पहले तमिलनाडु के एक साथी से, एक प्रोफेसर है, उनसे मेरा इंग्लिश में बात हुआ, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, उतना नहीं जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा पता है कि हम लोग हिंदी को इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं ना, हिंदी भाषा को हम लोग इसलिए नहीं स्वीकारते हैं क्योंकि हिंदी अकेले थोड़ी आएगा, हिंदी अकेले नहीं आएगा, हिंदी अपने साथ साथ हिंदी वालों को भी लेके आएगा। अब मान के चलिए अगर तमिलनाडु एक्सेप्ट करता है, तेलंगाना एक्सेप्ट करता है, केरला एक्सेप्ट करता है कि वहां के स्कूल कॉलेज में हिंदी पढ़ाई जाए, तो पढ़ाने वाले कौन होंगे? हिंदी वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल वाले, तो उनका नौकरी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? इसीलिए वहां जोरदार विरोध होता है, 1937 में पहली बार, दूसरी बार 1965 में, और फिर 2020 में, फिर 2020 में मोदी सरकार में, 1965 में जब
हिंदी को हिंदुस्तान की भाषा बनाने का प्रयास हो रहा था, 12 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था, लेकिन बोला हम हिंदी को नहीं स्वीकारेंगे। तो इन चीजों को समझना होगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है झारखंड की पहचान को मिटाने के लिए। और साथ ही हम संदेश यही देंगे यहां पर बैठे तमाम लोगों को कि अब थोड़ा हम में भी सुधार होना चाहिए। हमारे समाज में भी बहुत सारी खामियां हैं, पता नहीं आपका, हम नहीं कहेंगे, हम कोयलांचल से आते हैं, वहां का जितना आदमी के जमीन गया हो ना सब महोदय नहीं तमाशे हैं, जितना जमीन गया हो सारा जमीन। तो हम पहला बात तो संदेश देवो कि जेटा बाचा लो सेटा बचा के रखा, जब बाचा लो सेटा बचा के रखा, और जे 50 टका के महुआ पिया है ना ओकरा एक लाइन कहो अब 50 टका दारू ना 30 टका कॉपी और 20 टका कलम ना गिर के बदले है तो ना बदल ले, जनता बाचा लो सैटो पुराए जातो, कोनो ख्वाब में नहीं रहिया, जनता भी बाचा लो ना सैटो पुराए जातो। और अबरी नेतृत्व तोहनी के करना हो, महिला सबके नारी शक्ति के नेतृत्व करना हो, कहे पता हो पुरुष के इच्छा बहुत कम रहे, चाहे तोर काका लगो, चाहे तोर मामा लगो, चाहे मौसा लगो, भाई लगो, चाहे पति लगो, ओकर इच्छा कमे रहे, ओकरा खियाए दली पियाए दली भुलाए गेलो, ओकरा खियाए दली पियाए दली भुलाए गेलो, जमीन टाउ दे दिलो। लेकिन एगो स्त्री की इच्छा बहुत बड़ा रहे, तोनी स्त्री लगा तोनी से बेस किया जानते, एगो स्त्री की इच्छा रहे चांद लिए के, ना चांद लिया पार तले दिए पार तले ना जमीन लिया पार तले। तो अबरी नेतृत्व तोहनी के करना है, अगर तोहनी पढ़ लेवा, तोहनी समझ लेवा, तोहनी लड़ लेवा, तो हमनी के काम आसान हो जीते। तो इटा तैयारी नया झारखंड के निर्माण में पहला योगदान तोहनी के है, तो तैयार हो? तैयार है कि सुतला? अब लड़ाई तोहनी की लगो, कहे हरवाहा खत्म, रोपनी जिंदा हो तोहनी रोपनी लगा, रोपनी के अभी कोई ऑप्शन ना है, रोपनी काम रोपनी कर रहा है, हरवाहा काम बटाई गलो, बटाई नहीं खत्म हो गलो। तो बहुत सारा वक्ता है और हमारे को बहुत बड़ा खराबी हो, माइक धरल बाद बहुत मैंने बहुत समय ले लेते रहे, कोल्हान में 2 घंटा 123 मिनट कह दिला लिए। तो अंतिम नहीं एक लाइन, ना कोई जिंदाबाद होगा ना कोई मुर्दाबाद होगा, जब जागेगी जनता खुद इनकलाब होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद ना। इटा हक अधिकार के बात लगो, जो साथ देते को पार्टी करो सम्मान करा, आज जो साथ नहीं देता है और विरोध भी करना तोहनी के कर्तव्य होना चाहिए। और हम तो बार बार कहते रहे हमने के अभी जितना भी सरकार बनल हो एखनी के हम अंग्रेज से भी बुरा मानते रहे, अंग्रेज तो एखनी से अच्छा हलो कि CNT कानून बनाए दिला लो, विल्किंसन कानून बनाए दिला लो, एखनी हिटलर लगो, हिटलर के पढ़ा ना, हिटलर ने 60 लाख, 1, 2, 3 नहीं 60 लाख यहूदी को जान से मारा था, 60 लाख, 60 लाख यहूदी को हिटलर ने जान से मारा था। ये हुक्मरान, ये पूंजीपति, ये कंपनी, ये हमारे उनके साथ मिले लोग 3 करोड़ झारखंडी को मारने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा फर्क है, हिटलर ने शरीर को मारा था, ये लोग आत्मा को मार रहे हैं। आत्मा माने क्या? भाषा, संस्कृति, ये लोग आत्मा को मार रहे हैं। हिटलर ने शरीर को मारा था, इन लोगों ने आत्मा को मारने का काम किया है। आज अगर उस 60 लाख की भीड़ में अगर 6,000 यहूदी साहस करता ना तो धरती में दूसरा हिटलर पैदा नहीं होता। तो आज 3 करोड़ झारखंडी है, अगर 3 लाख लोग अगर साहस करते हैं ना तो बाकी 2,97,00,000 झारखंडी अपना जिंदगी अमन और चैन के साथ दिएंगे। 3 लाख लोग साहस कीजिए, 3 लाख लोग। हम किसी के अधिकार को छीनने नहीं गए हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपनी माटी में अपना हक मांग रहे हैं। उमेश महतो इधर के थे ना भाई, रामगढ़ के कहीं थे, दुलमी के बिहार में टेट में 7वां रैंक था, भाई भाई की बात करते हैं, जाइए नौकरी टवा उनको लगा दीजिए, पहले मारपीट के भगाया गया था झारखंड के बेटे को, और जब झारखंडी हक मांगता है तो भाई भाई की बात करते हैं। आप एक भी उदाहरण दिखाइए कि हमने किसी बाहरी को यह नौकरी करने से मारा पीटा है, एक भी उदाहरण बताइए, और आपको कितना उदाहरण चाहिए बोलिए।
आपको कितना उदाहरण चाहिए? चलिए ना, हमारा जो अपना टीपी हाई स्कूल है वहां यूपी के टीचर भरे हैं, उनको हम रोज प्रणाम भेटाते, प्रणाम सर करते हैं, बताइए, क्योंकि झारखंड के लोग सबसे भोले भाले होते हैं, इनसे भोला भाला कोई नहीं होता है। और आपका हम सैकड़ों उदाहरण दिखाएंगे जब आपने हमारे लोगों को प्रताड़ित किया है, शोषित किया है। आप लोग कहते हैं कि तो इंसान इंसान में बांटे के काम करे हैं, हमको बोलते हैं कि तो इंसान और इंसान में बांटे का काम करे हैं, हम कहते रहे हमें तो बड़ी छोटे इधर लगी है। बांटे के काम तो वो कर ले, भगवान को चाहे अल्लाह को चाहे ईश्वर को चाहे प्रकृति रो, अब कहे कैसे? तो दियो यदि आदिवासी लगाए तो एक रंग रूप है कि दियो यदि मुसलमाने लगाए तो एगो करिया एगो चेरका है, बांटल तो खुदा में ओकरा है। अगर वो भगवाने के मान है, एगो हिंदू रंग गोरा है, एगो करिया एगो लंबा है, एगो नाटा है, बांटल तो ओकर भगवान में है, हमें के लगे बांटे वाला रे, हमें के लगे बांटे वाला, बांटा तो उसने है। हम शोषितों के लिए अधिकार मांग रहे हैं जो कभी मंडेला ने अपने ही देश में अपने लोगों के लिए मांगा था। 28 साल, एक दो तीन नहीं, 28 साल मंडेला ने जेल में बिताया था, तब उन्हें हक और अधिकार मिला था। हम कहां बांट रहे हैं? हम तो शोषित पीड़ितों के लिए उसी की माटी में उसका अधिकार मांग रहे हैं। और आप कहते हैं बांटने की बात। कुछ दिन पहले अगर लोग कहला है कि गिदरुआ इतना पढ़ल लिखा लो और खाली भाषण नहीं बोलो हो, कुछ खाए कुछ खाए ठेकाना है ना यार, भाषण दे रहा लो। हम बड़ी सहजता के साथ कहलिए कि दादा तो सही कह ले, हमार खाए ठिकाना ना है, सही खातिर भाषण दे रहा लिए। अगर आज भाषण ना दिलिए ना तो हमार लोग रहक ठिकाना भी तो छीन लेवे, हमारे खटाल बनाए देवे। सही बात, उस व्यक्ति ने सही कहा, मेरा खाने का ठिकाना नहीं। सही बात, हम भी मानते हैं, इसीलिए अपने लोगों को जगा रहे हैं। आज नहीं जागे तो इनका रहने का भी ठिकाना नहीं रहेगा, सादा कागज में लिख देते हैं। और एक बात, आज भी हम लोग का समाज सोया हुआ है, तो इसलिए जगाने का जिम्मा तमाम युवा साथियों का है, आप अपने सोए समाज को जगाइए। हाँ, थोड़ा सा नुकसान कभी होगा, उसमें भी वो कहावत है कि यदि सोते हुए समाज को जगाने जाओगे, यदि सोते हुए समाज को जगाने के लिए जाओगे तो नींद खराब करने के लिए पहला थप्पड़ खुद खाओगे। तो पहला थप्पड़ मैंने गाड़ी खूब मिलता, हमारा तो अंठेकान मिलो हो, आंसू वाला के लगा तो जेमएम के लगो, जेमएम वाला का तो आंसू के लगो, अपनी क्लियर नहीं कर पा रहे हम ककर लगे। अरे भाई देख, हमें तो कभी मोदी को प्रचार कर ले, हम खुला मानते, तो मीडिया के सामने बोलते हैं 2014 में मोदी को वोट दिए थे, उसके लिए पोस्ट किए थे, जाइए टाइमलाइन चेक कीजिए, 2019 में एकदम हम जेएमएम को प्रचार किए थे, जगन्नाथ महतो का भी किए थे और मोथरा महतो को किए थे, खुले मन से करते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ चुनाव के टाइम, उससे ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि 2014 में मोदी जी का और 2019 में हेमंत जी का हम प्रचार किए हैं, एकदम किए हैं। तो दो चार को पुराना फोटो ले आता है, डाल देता है, अरे भैया आठवां क्लास में हम पढ़े हैं, आठवां क्लास में पढ़े हैं, सवाल सरकार से किया जाता है। हाँ स्वीकारते हैं, मथुरा मातो से मेरा फोटो है, जगन्नाथ मातो से भी है, हेमंत सोरेन से भी है, लेकिन सत्ता में तो वही लोग हैं और अठारह में ही पढ़े हैं, कि सवाल सरकार से किया जाता है। तो इसलिए उन युवाओं को संदेश देंगे कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ो भैया, ये लड़ाई माटी की है, और खुले मन से, हम किसी पार्टी के नहीं है, आप कहीं किसी एक मीटिंग में हमको दिखा दीजिए, 10 साल 15 साल 20 साल जब जाना है, हम किसी पार्टी के किसी भी सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। हाँ, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, चुनाव के समय जब प्रचार होता है तो हमेशा करते हैं, यही नहीं पंचायत चुनाव में तो हम आजू का भी आदमी का प्रचार किए हैं, खाली कांग्रेस छोड़ के सब पार्टी का किए हैं, चुनाव के समय, बस उसी दिन चुनाव खत्म, फिर हम स्टूडेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब पढ़े लिखे युवा लोकतंत्र में भाग लेंगे। तो इसलिए मेरे तमाम साथियों, आप, इसलिए मैंने ये बात कहा क्योंकि बहुत सामना करना पड़ता है, इसीलिए अभी मेरा यही संदेश होगा, आज लड़ाई माटी की है, पार्टी तो बनती है बिगड़ती है, नई नई पार्टियां बनती हैं, नई नई पार्टियां आती हैं, आज माटी की है। मैं तमाम 81 के 81 विधायक को कहूंगा कि 1932 खतियान की बात करें, जो लोग 1932 की खतियान की बात करेंगे 24 में वही लोग सूरज देखना चाहिए, नहीं तो एक भी।
एक भी विधायक 2024 का सूरज देखना पाए, चाहे वो किसी पार्टी का रहे, हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कहेंगे। क्योंकि बहुत साजिश हो रही है, इस साजिश को समझना होगा। और जाते जाते वो थोड़ा कोई बयान दिया था कि एचईसी धुरवा में है, धुरवा मिनी बिहार है, वो बढ़िया बोला है, थोड़ा सोचना होगा। काहे बोला है पता है? काहे वहां सचिवालय तो है और आपका सारा नौकरी चक्री फॉर्म कानून की प्रक्रिया सचिवालय से आता है और वहां 80% बाहरी लोग है। एक तरह से आपका आंख खोल दिया है, एक तरह से आपका। तो आज इस लड़ाई को लड़ना हम सबों का फर्ज है। अब मैं जितने भी हमारे महानुभाव है सबको सुन के जाइएगा, मैं कुछ पंक्तियों के साथ समापन करना चाहूंगा। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आग कहीं भी लगे, आग कहीं भी लगे, पारसनाथ पहाड़ में या झुमरा के पहाड़ में, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और अंतिम लाइन, जो लोग कहते हैं कि झारखंडी कौन है, तो परम आदरणीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जहां जहां तक मानव की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। इन लोग को बोलिएगा कि मांदर का मांदर बजाइए, हम लोग का गीत गाइए, हम लोग का भाषा में बात कीजिए, झारखंडी मानेंगे। इनको बोलिएगा आसान नहीं है झारखंडी बनना भाई, कारा कारा काड़ा और कारा में फर्क है। उनको बोलिएगा काड़ा माड़ा भेड़ा पेड़ा डंडर डाड़ा, बोलिए झारखंडी मानेंगे। इतना ही अंतिम शब्द, जब याचना नहीं रन होगा, जब याचना नहीं रन होगा, जीवन जरिया मरण होगा। हेमंत दादा युद्ध अब ऐसा होगा पहले न कभी जैसा होगा। भाषा से भाषा टकराएगा, फिर शेष कुछ न बच जाएगा, जीवित जन अंगभान होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की हेमंत दादा तुम पर जिम्मेवारी होगी, तुम पर जिम्मेवारी होगी। तो सबके फिर से जोहार नेहर। आज जाते जाते फिर एगो, चूंकि माता शक्ति सब है, ओखनी एगो जानकारी दे के जाए, हमने पुरखा पढ़ल लिखल ना हला। अच्छा एक बात बतवा, कुछ कुछ समाज में जब ब्याह करे जाए तो बेटा के हम से बेटी के महुआ से सोनी करिया तबे बात कहो ने दजीबो, लड़का के ब्याह हम से करिया, बेटी के महुआ से करिया। ये नियम तो तोहनी बना ले, नहीं ना क्या बना ले ओकर पता ना है, लेकिन एगो थोड़ा वैज्ञानिक आधार बताए देगा। लड़का के बिहा आम से, मतलब जब डबकल पानी डबकल चाय में आम पत्ता डाल के वो पानी था वो चाय था लड़का था के पिए थे भी वो शक्तिशाली भे तो बलवान भे तो। और लड़की जकर महुआ से करे हैं ओकरा जखन गर्भ धारण कर तो ओकरा महुआ भे तो वो बलवान भे तो। बक्सा लोग लगल अपने स्कूल कॉलेज न आए गेल हल से इतना सुंदर नियम बनाए गेल है। वो लड़का के तो महुआ से करे पारी लेकिन कर ले आम से, और लड़की ठीक है आम से करे पारी लेकिन कर ले महुआ से। सोच अपनी दिमाग दा सोच, स्कूल कॉलेज नहीं गेल है कलम नहीं धरल सबके जोहार। ज्यादा समय ले ली तो माफी। कैसे लिया झारखंड, एक लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, एक लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, जय झारखंड। हम लोग के टाइगर दा अपुरंत हम, और साथ ही एगो निवेदन है, नेताजी बोस में कर ले दिल्ली चलो, यदि माइन के चल कभी नारा लग ले रांची चलो, तोनिक पासे है जीवाना। तैयार है, जय झारखंड। अब हम रोमा जी की जनता को मेरा ख्याति यानी जोहार। क्या कोई गलत बोले क्या भाई, सब कोई क्यों नहीं बोल रहे हैं? खतियारी जोहर, खतियारी जोहर। एक चीज हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप तमाम लोग खतियानी है और सबों का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। तो हम चाहेंगे हमारे जितने मंचा सीन नेता के ने, बात करें गीता श्री उराव जी की, बात करें लंबोदर जी की, बात करें पूर्व सांसद हमारे रामकांत चौधरी जी की, या फिर बात करें हमारे क्रांतिकारी साथी जयराम जी की, आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा
कि जो जहां पर है कृपया करके खड़े हो जाइए और कुछ बात हम लोग कहेंगे जो कि हम प्रतिज्ञा स्वरूप लेंगे झारखंड के प्रति। क्या तैयार है? तो कृपया करके खड़े हो जाइए और हाथ को उठाकर आपको कहना है, अपनी हाथों को उठाकर कहना है मैं कुछ कहूंगा उसके बाद आप उन्हीं बातों को दोहराएंगे। मेरे जो भी कदम उठेंगे झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए उठेंगे, झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए उठेंगे। और मुझे जिस किसी से भी टकराएंगे। धन्यवाद। सभी को बैठ जाइए, सभी को बैठ जाइए। ये जो झारखंड है और हम यहाँ के झारखंडी हैं, भाई अगर हम यहाँ के झारखंडी हैं तो हमारी पहचान क्या है? ये बात उठती है बार बार और इस सवाल का जवाब आज तक हमारे किसी भी सरकार ने नहीं दिया। किसी भी सरकार ने ये बनाने की जरूरत नहीं उठाई, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हम झारखंडी हैं तो झारखंडी कैसे हैं। हमारे झारखंड बने 21 वर्ष हो गए, इन 21 वर्षों में बहुत सारी पार्टियां हमारे बीच में आई रही सत्ता में और बैठ के गलत गलत नीति तो बना ली, लेकिन किसी ने हमें हमारी पहचान बताने की जगह नहीं। बैठ जाएगा, इधर कोई मत है, सभी को बैठ जाए शांति से। किसी ने ये बताने की जरूरत नहीं उठाई कि हम झारखंडी हैं और झारखंडी कौन। हम बात कर ले 21 सालों की, 21 इस झारखंड में 17 सालों तक रहे और इन 17 सालों में